नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट शास पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, MBBS सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट। बच्चों, आपको पता होगा कि आपकी MCC की वेबसाइट पे अभी अभी इन्फॉर्मेशन बुकलेट थोड़ी देर पहले अभी अपलोड की गई है और कल से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट है। उसके एक दिन बाद से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली सजेस्टेड यही होता है कि अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो आप कल फिर एक दिन बाद आप चॉइस फिलिंग के सारे प्रोसेस को कम्प्लीट करो, ठीक। देखो, जो आपकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट है करीब करीब 70 पेजेस की है, तो इसके लिए अभी कुछ देर पहले शोभित सर ने लाइव लिया था और अब इस बुकलेट में आपके कुछ FAQ सीरीज होते हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके जनरल डाउट्स होते हैं जिनको MCC अपने इस बुकलेट में सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अभी ये एक FAQ सीरीज की पूरी एक वीडियो आने वाली है, ये पूरी वीडियो सीरीज चलेगी जिसमें मैं एक एक FAQ को एक एक शॉर्ट वीडियो में समराइज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप वीडियो को आप अच्छे से देखोगे, ध्यान से सारी बातों को सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, ठीक है, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज़ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फ्रॉम ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो, कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन टू द वेबसाइट www.mcc.nic.in। तो वेबसाइट से आप फेमिलियर हो, ठीक है, कुछ देर में ऑपरेशनल, शॉर्टली मतलब कल से ऑपरेशनल हो जाएगी। और यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना है और फिर चॉइस फिलिंग करनी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज स्टडी काउंसलिंग स्कीम केयरफुली। ये जो पूरी बुकलेट है इसको आपको ध्यान से पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियोस के थ्रू हम बता देंगे। इट इज एडवाइज दैट आफ्टर गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ सीट्स अवेलेबल, अ टेंटेटिव लिस्ट मे बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट एज पर योर प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज बिफोर अटेम्प्टिंग टू फिल चॉइसेस ऑनलाइन। Candidates are advised to read and understand user manual for the candidates carefully before registration. तो देखो, एक MCC क्या सजेस्ट करता है कि आप पहले अपना एक प्रेफरेंस जो लिस्ट है वो टेंटेटिव बना लो, उसके बाद उसको वेबसाइट पे आप फिल करना चालू करो, फिर एक बार उसको फिर से चेक कर लो और फिर जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको सीरियस फाइल अरेंज करके आप चॉइसेस को लॉक कर दो। देखो, दो चीज़ें होती हैं, सेव अगर आप करते हो तो सेव करने से आपके चॉइसेस लॉक नहीं होते, आपके चॉइसेस फाइनली लॉक तब होंगे जब आप उसको लॉक करोगे और आपसे दो बार पूछेगा, ठीक है। आप एक बार लॉक करोगे फिर आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा कि डू यू फाइनली वांट टू लॉक योर चॉइसेस, और एक बार अगर आपने लॉक कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि आपको लॉक तभी करना है जब आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट के लिए 100% अश्योर्ड हो, तभी आप अपने चॉइसेस को लॉक करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने चॉइसेस को लॉक नहीं करते, जो आफ्टर द लास्ट डे आपके सारे के सारे चॉइसेस अपने आप ही लॉक हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस FAQ सीरीज के पहले क्वेश्चन में इतना था, ठीक है। बाकी अगले वीडियोज़ में मैं आपको हर एक FAQ सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद नीट शास फॉर दीज क्विक अपडेट्स।